दिल्ली में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने की आशंकाओं के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर प्रयास किए जाएं तो 2 से 3 हफ्ते में दिल्ली के हालात सुधर सकते हैं। उनका मानना है कि अगले माह तक 5.5 लाख मरीज होने की आशंका एक गणितीय आकलन है जो गलत भी साबित हो सकता है। एम्स निदेशक ने अपने बयान में कहा कि महामारी के इस दौर में आंकड़ों से ज्यादा बचाव पर ध्यान देना जरूरी है, संक्रमण नियंत्रण को लेकर हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोरोना मामले की संख्या के आधार पर भारत 4थे स्थान पर है, लेकिन अगर आबादी के साथ तुलना करें तो दूसरे देशों से यहाँ संक्रमित लोग बहुत कम हैं। पिछले कुछ समय से संक्रमण की रफ्तार तेज होने से उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर लोगों ने इसका पालन नहीं किया, इसकी वजह से संक्रमण बढ़ा और अलग अलग हिस्सों तक पहुँचा। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 2 से 3 सप्ताह में कोरोना वायरस के ग्राफ में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। डॉक्टर गुलेरिया का यह भी मानना है कि इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर ध्यान देने की जरूरत है, सरकारों को बेड और ऑक्सीजन के प्रबंध पर पूरा जोर देना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को भी संक्रमण से बचाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि स्वास्थ्य कर्मी और उनके परिजन लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसकी वजह से स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो सकती है। सो आई थिंक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू बी एबल टू टेस्ट पीपल, स्पेशली दोज हु आर हैव सिम्टम्स or asymptomatic who have come in close contact with a person who is positive, because then only we'll be able to diagnose, do a contact tracing and isolate people. And if we are able to do that, then we will be able to prevent the transmission of disease and therefore decrease the number of cases. A lot of work has been done. We were testing only around 10 to 20,000 people per day about 6 weeks ago. Now we are testing almost 1.5 lakh people per day, and this number is going up every day. So we need to see how do we increase our testing capacity, how do we then test a larger number of people, and we do that in a way that we are able to answer questions so that we are in a proper way able to implement strategies which will be able to decrease the number of cases and also decrease mortality. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।